दिवाली का टाइम है और अगर घर को हम नहीं सजाए तो दिवाली बहुत ही ज़्यादा फीकी फीकी लगने लगती है। और घर को सजाने के लिए सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है लाइटिंग, और ख़ास करके लाइटिंग अगर नेचुरल लाइट हो तो उसका तो मज़ा ही कुछ अलग ही होता है। और चलिए, तो घर को सजाने के लिए मैं ये बस छोटी सी कोशिश की हूँ, लाइक मैं ये वाटर कैंडल बनाई हूँ, और ये मैं कैसे बनाती हूँ चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और ये वाटर कैंडल बनाने के लिए मैंने ये कांच का ग्लास ली हूँ, और उसके साथ ये प्लास्टिक का जो ट्रे आता है, लाइक रेगुलरली बेसिस पर ये मिल जाती है हर जगह पर, तो ये मैंने ली हूँ। और ये मैंने उसको ऐसे नाप के ऐसे काट दूंगी, थोड़ा मार्कर से उसको ऐसे मार्क कर दूंगी कि किस हिसाब से हमें कट करना है। ये देखिए, अब इसको मैं कट कर दूंगी राउंड शेप में, थोड़ा सा छोटे साइज में ही कट करना है, लाइक ग्लास के अंदर ये जो राउंड शेप में है ये आ जाना चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और ये बिभू को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लाइक क्राफ्ट्स में उसका थोड़ा मन लगता है, तो वो भी आके देख रहा है। अब इसमें बारी है कि हमें बाती कैसे लगाएंगे। इस प्लास्टिक का जो राउंड शेप ने मैंने कट की हो, इसमें हम बाती को सेट करेंगे। तो बाती को सेट करने के लिए मैंने ये एक लोहे का कील ली हो। अब इस लोहे के जो कील है, मैं इसमें इसमें ऐसे ही थोड़ा सा छेद करूँगी। तो छेद करने के लिए मैं हल्का सा इसको गर्म कर लूँगी। अब ये देखिए, ये कितने आसानी से ऐसे ही छेद हो जाएगा, लाइक इसमें हम बाती डाल सकते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब मैं कैंडल को बुझा दूंगी क्योंकि बीबू मेरे पास ही घूम रहा है इधर उधर, उसको देखने का ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप ये जो बाती है मैं इसमें इसको सेट कर दूंगी। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर भी होता है। आप चाहो तो जो नीचे का जो बाती है उसको आप कट कर सकते हो। अब मैं ग्लास में पानी भर लूँगी। अब मैं उसमें ये थोड़ा कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी, लाइक 2 स्पून के बराबर। आप जो भी ऑयल यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो, लाइक मस्टर्ड ऑयल या तिल का ऑयल, क्योंकि दिए जो जलाते हैं वो हम बहुत सारे, लाइक कोई कोई जो सेसम ऑयल या फिर तिल का ऑयल में भी जलाते हैं, सरसों के तेल में भी। तो ये फिलहाल मैं रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने 2 स्पून डालकर इसमें मैं ये जो बाती को सेट की थी इसी में इसको डाल दूंगी पानी में। हम देखिए, ये कैंडल में लगा रही हूँ। ये देखिए, ये बन गया। ये सिंपल सा वाटर कैंडल मैंने बनाई हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से बन जाता है। आपने खुद ही देख लिया ये कितने इजीली बन जाते हैं और दिखने में कितना ज़्यादा सुंदर है। ये देखिए, अब मैं आपको सेकंड कैंडल बनाकर दिखा रही हूँ। वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, लाइक इसको कट करना है। अब इसमें मैं थोड़ा फ्लावर ऐड कर दूंगी, क्योंकि जैसे कि कांच के ग्लास में हम फ्लावर ऐड करते हैं तो बाहर से वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। ये देखिए, ये मेरे पास छोटे छोटे फ्लावर थे, प्लास्टिक के फ्लावर है, या फिर आप चाहो तो ओरिजिनल फ्लावर भी ऐड कर सकते हो। और आप ये कभी भी घर पर बनाकर घर सजाने के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इजीली बन भी जाते हैं और ये बहुत देर तक जलते रहते हैं। ये देखिए, तो ये बाती को मैं थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा लूँगी, तो लगाने जो हम जब इसको जलाएंगे तो ये इजीली अच्छे से जलना स्टार्ट होगा। ये देखिए, ये सेकंड कैंडल भी बन गया है, ये फ्लावर वाला मैंने बनाई हूँ। आप देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है ये। अब ये थर्ड कैंडल बना रही हूँ, ये थोड़ा कलरफुल बना रही हूँ, तो ये मैं सिंपल पानी में जो फूड कलर आता है मैंने वही ऐड कर दी हूँ। और ये वही देखिए, ये बन गया।
आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा सुंदर दिख रहा है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, आप इस तरह का बहुत सारे बना सकते हो, लाइक ओरिजिनल फ्लावर से ही बना सकते हो, कलरफुल भी बना सकते हो, साथ ही साथ जो पेबल्स आते हैं उसको डालकर भी आप बना सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, साथ ही साथ बहुत ही इजी भी है, आप देख सकते हो। तो बस फ्रेंड आज का वीडियो यहीं तक था, आप ये कैंडल घर पर जरूर बनाइए और जो दिवाली है उसको थोड़ा अच्छे से डेकोरेट कीजिए दिवाली दिवाली के लिए घर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।